जय महाकाल मित्रों, कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे एवं मजे में होंगे। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूं कि जे नाम वाले जातक एवं जेड नाम वाले जातक यदि शादी करते हैं तो आपको शादी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, यदि आप ये जानना चाहते हैं तो वीडियो आपको सुनना चाहिए, लेकिन सबसे पहले क्या करना है, आपको वीडियो लाइक कर देना है, साथ में वैदिक बाबा को आपको सब्सक्राइब कर देना है एवं वीडियो के नीचे में अपना नाम कमेंट कर देना है। उसके बाद वीडियो को ध्यान से सुनना है। तो आइए अब वीडियो की शुरुआत करते हैं। मित्रों, जे नाम वाले जातक एवं जेड नाम वाले जातक यदि किसी भी प्रकार के संबंध में आते हैं तो आप दोनों के बीच में एक समानता बहुत ज्यादा होती है। इस नाम के जो जातक होते हैं वो अपने अपने जीवन में एक समान होते हैं। इन दोनों की अपने अपने जीवन में जो इनकी सोच होती है, जो इनकी मानसिकता होती है, वो एक समान होती है एवं ऐसे समय में आप दोनों के बीच में जो बंधन बनता है वो बहुत ज्यादा रोमांचक एवं मधुर होता है। दोस्तों, इस नाम के जो जातक होते हैं वो अपने आपसी जीवन में एक दूसरे के प्रति बहुत ज्यादा ईमानदार, बहुत ज्यादा वफादार होते हैं एवं कभी भी अपने जीवन में अपने जीवन साथी के साथ में कोई भी छल कपट या धोखाधड़ी बिल्कुल भी नहीं करते हैं एवं इसके अलावा हमेशा अपने जीवन में अपने जीवन साथी का सपोर्ट, अपने जीवन साथी का समर्थन बहुत ज्यादा करते हैं। मित्रों, जे नाम वाले जातक एवं जेड नाम वाले जातक इन दोनों के बारे में इतनी बातें जानने के बाद यदि हम ये जानना चाहें कि आपको शादी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, दोस्तों आप दोनों के बीच में जो बंधन बनेगा वो बहुत ज्यादा मजबूत रहेगा, यानी कि आपको शादी अवश्य करनी चाहिए। दोस्तों, मुझे उम्मीद है अब तक आपने वीडियो लाइक कर दिया होगा, साथ में वैदिक बाबा को आपने सब्सक्राइब कर दिया होगा एवं वीडियो के नीचे में जय हनुमान आप कमेंट अवश्य कर दे एवं वीडियो हर जगह शेयर कर दे। तो हम सब मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में। धन्यवाद।